अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त ये हमारा नया ड्रामे का रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, जो शारदा गफार साहब ने ये होटल खोला है। हाँ ये देखो, जी गफार साहब, ये नया होटल खोलने का क्या जो है ना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? हाँ जी, ये हमने नया होटल खोला है और मैं और मेरी बेगम ने नया होटल खोला, इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी जो खास वजह है, वो सफाई सुथराई है, क्योंकि हमारे होटलों में अक्सर सफाई सुथराई नहीं मिलती। ये जो कि निस्पीमान है, ये होटल हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह का ये होटल है, उसी तरह के ग्राहक भी आ रहे हैं। पहला ग्राहक भी उसी तरह का आया है। हाँ, परमिशन दी कर लो, कोई ऐसी गल नहीं। सलाम करो जी भाई जी, सलाम करो इधर जी, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हो, खैरियत है? अच्छा ये देखो छोटू भी है, ये पढ़ता नहीं है, स्कूल नहीं जाता, पेड़ी बना रहे हैं। ये पेड़ी का दम है, इसी तरह करती है। माशाल्लाह। तो ये होटल बनाने बोलो कुछ सर, मैं क्या बोलूँ, यही बोल रहे हैं कि आपको मैंने रोटी दी, आप लेकर जाएं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और ये पहला होटल है जिसमें जनाब बीवी जो है वो रोटियाँ पका रही है, और जनाब मियाँ साहब जो है वो वेटर का काम कर रहे हैं, और मैं वेटर के हाथ से रोटी खाऊंगा, देखिए मेरे साथ क्या करते हैं। जी ये आपने जरूर। अच्छा ये असल में ये इस वजह से खोला है कि गफार साहब जो है ना बाहर काम नहीं कर रहा है ना। हाँ। तो इस वजह से इनकी बीवी ने ये होटल खोला है कि गफार साहब इधर वेटरी कर रहे हैं। मेहनत कर ले। हाँ, मगर यहाँ भी काम चोरी कर रहा है। काम चोरी तुम्हारी हदों में है। ये बात सच है? नहीं, काम करना है। मैंने आपको मतलब की इज्जत देने में या रिपोर्ट करने में कभी कभी की है? पूरी इज्जत देते हैं, पूरी इज्जत देते हैं और पूरी इज्जत लेते हैं। इज्जत हाँ जी, इज्जत की इज्जत होती है। तो ये ओके हो गया। तो कभी आई थी, बोलती भी नहीं थी, हम बताते कि बहुत पहुँच के थक जाते थे, नहीं बोलती थी। और अब ये बोला तो इसके सब में शुरू करती है। मनूर हमारी एक्टर फुल पॉलिश हो गई है, फुल एक्टर बन गई है माशाल्लाह। अब ये हमें नहीं बोलने देते। अच्छा एक काम और, गफार साहब अभी परसों इसने मुझे डायरेक्शन दी कि ये ऐसे करो, ये ऐसा करो। हाँ हाँ, ये जो चादर से बाहर पहुँचे जाते हैं फिर नुकसान तो रोटी लगा रहे हैं। अब इन हम बोले जी ये रोटी ऐसे नहीं, ऐसे लगाओ। वो यही मैं कहने वाला था यार, तुम्हें क्या पता रोटी कैसे लगाते हैं? ये होता है इस तरह का, जिसको जिसका काम उसी को साजे। ये शुक्र मिला है जनाब दोस्तों शहजादा गफार साहब। हाँ जी, अभी अपना काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है चलते हैं, इनका असल काम देखते हैं। कपड़ा मेरे हाथ में, मैं जा रहा हूँ टेबल साफ करने। अच्छी अच्छी रोटी पकानी, नए नए कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर जो आए तो मुड़ के कहीं और ना जाए, इधर ही आए। इधर तो आएंगे, रोटी लेकर जाओगे तो आएंगे ना। रोटी के लिए आए कस्टमर। अच्छा, तुम्हारे लिए ना आए यहाँ। अब ये देखते हैं आगे के इनके लिए आता है। आया जी, आया जी।